तो फ्रेंड्स, समय हो रहा है अभी करीब दोपहर के 2:30 बजे का, और फाइनली हमारा जो चुनौतीपूर्ण कार्य था लेंटर वर्क, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए कंप्लीट हुआ है, अभी करीब 2:30 बजे का समय हो रहा है। थोड़ा चुनौतीपूर्ण ये इसलिए रह गया क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह पहाड़ों से एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। तो एक बार मौसम देख लीजिए, आज मौसम काफी अच्छा बना हुआ है, बारिश वाला माहौल बना हुआ है पहाड़ों पे। तो फ्रेंड, कैसा लगा मौसम जरूर कमेंट में बताइएगा। तो ब्लॉग की शुरुआत ही करते हैं। करीब 9 बजे का समय हो रहा है, हरीश भाई और मैं घर से निकल चुके हैं, हमने जाना है पड़ोस में, हमारी ये फैमिली है वहाँ पे, तो उनके यहाँ लेंटर वर्क है, वो एक आधी अपने कमरे में लेंटर डाल रहे हैं, तो उसका निमंत्रण हम लोगों को भी दिया है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आज काम होगा, तो उसी के लिए घर से निकल चुके हैं। तो फ्रेंड, सीन ऐसा होता है ना गांव घरों में, जैसे एक दूसरे की हेल्प यहाँ पे हर भी करता है, क्योंकि उनके संसाधन यहाँ पे होते नहीं है, संसाधनों का अभाव रहता है, तो लोग मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो इसी के लिए भाई ने हमको भी बुलाया हुआ है, फैमिली भी एक ही है, फैमिली में काम हो रहा है तो करना तो होता ही है। तो उसका लेंटर वर्क है, एक कमरे में उसने लेंटर डालना है, देखते हैं कितना समय लगता है, कितने कट्टों का लेंटर पड़ता है, तो वहीं चल के पता चलेगा। तो घर से तो हम आ गए हैं, तो रास्ते में चलते चलते हमें दो क्यूट से पड़ोस के छोटे से बच्चे मिल गए, गुन्नू और संध्या। गुन्नू क्या है, क्या है ये, क्या दिखा रहा है? चलो फिर चलो, बाय संध्या। संध्या भाई, चलो ठीक है, आओ फिर आओ, इधर देख, बाय 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 बाय। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो रखा है आज भी, इस तरफ को तो पूरी वादियों में कोहरा छाया हुआ है, ये देखिए। तो फाइनल फ्रेंड, उनके घर के पास में पहुंचने वाले हैं, और उनका घर इन जंगलों के बीच में यहाँ पे है, और पास में भी हमारी और फैमिली रहती है, करीब 4 या 5 परिवार हमारे यहाँ पे भी रहते हैं एक साथ। और रास्तों की हालत तो देख ही रहे होंगे आप, आजकल ना काई वगैरह जम जाती है कहीं भी, तो फिसलने का थोड़ा सा डर रहता है, आराम से चलना चाहिए आजकल इन रास्तों पे। तो यहाँ पे रहती हैं जो हमारी फैमिली, इन्होंने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं, जिनका शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। और दोस्तों, लेंटर ना पंकज भाई के यहाँ पे डालना है, पंकज भाई जो अक्सर मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाते रहता हूँ, तो वो भी हमारी फैमिली के ही मेम्बर हैं, तो उनके घर में डालना है लेंटर। तो बस पहुँच गए हैं, वहाँ पे चलते हैं, अभी खतरनाक जंगल होते हुए जा रहे हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से। तो ये देखिए रास्ते एकदम खतरनाक हैं जंगल वाले, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो रखे हैं, तो थोड़े बस पहुँच जाते हैं उनके घर के पास। पूरा जंगल है यहाँ पास में। तो फाइनली फ्रेंड, सीन अभी ऐसा है, हम लोग उनके घर में सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और अब फिलहाल मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद लेंटर डलेगा। फिलहाल यहाँ से हम रेता इकट्ठा कर रहे हैं, ऊपर पहुँचाना है, वहाँ पर पड़ना है लेंटर, तो रेता भी यहीं से इकट्ठा कर रहे हैं, रोड़ी वगैरह सब, बजरी वगैरह सब इकट्ठा करते हैं ऊपर, फिर वहाँ डलेगा लेंटर। फिलहाल धीरे धीरे सभी भाई लोग हम इकट्ठा हो गए, गौरव भाई हैं, संजू भाई हैं, और भी अपने भाई लोग हैं ऊपर, तो अभी ऊपर भी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा लेंटर है। और इस जहाँ से हम माल ढो रहे हैं ना, पास में एक खेत में मस्त मड़वा लगा रखा है। तो फ्रेंड, ये है वो हमारा लेंटर जो हमने डालना है, अभी इस पर फिलहाल सरिया बिछाई जा रही है, यानी कि जाल बिछाया जा रहा है, साथ में हम मटेरियल भी इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे रेता बजरी वगैरह। और एक चुनौती और हमारे सामने खड़ी हो गई है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। फ्रेंड, काम में छोटा सा ब्रेक, भाई चाय लेके आए हैं, चाय भाई पीते हैं, उसके बाद लगेंगे फिर आगे अपने काम में। और बारिश भी लगातार हो रही है। तो फ्रेंड्स, समय हो रहा है अभी 11:30 बजे का, और हमारा कार्य शुरू हो चुका है, तो मसाला भी हमने रेडी कर लिया, और मिस्त्री जो जाल वाल बिछा रहे थे वो भी लगभग रेडी ही है। और दूसरी तरफ मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है, हल्की दुल्की बारिश लगातार जारी है, और मौसम से भी बचने के लिए सर पे ओढ़ रखी है थैली, ताकि बारिश से सर को बचाया जा सके, तो मैं भी अपनी सेफ्टी में चला हुआ हूँ।
तो दोस्तों फाइनली आधा लंटर तो डल चुका है, अभी लास्ट का मसाला मिक्स किया जा रहा है। लगभग 1 बजे का समय हो रहा है और रिमझिम वाली बारिश जो होती है, रिमझिम वाली, वो लगातार जारी है और ऐसे में ही हम काम कर रहे हैं। और मौसम तो देख ही रहे होंगे आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा कोहरा घाटियों पर। तो फ्रेंड्स समय हो रहा है अभी करीब 2:30 बजे का और फाइनली हमारा जो चुनौतीपूर्ण कार्य था लंटर वर्क, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए कंप्लीट हुआ है, अभी करीब 2:30 बजे का समय हो रहा है। थोड़ा चुनौतीपूर्ण इसलिए रह गया क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है, आज कुछ भी नहीं दिख रहा है, सुबह से कोहरा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश में ही हमने लेंटर वर्क पूरा कर लिया। तो थोड़ा मुश्किल इसलिए भी मैं आपको बोल रहा था क्योंकि हम मटेरियल ढो रहे थे नीचे से, आपको एक टीम दिख रही होगी वहाँ पर, यहाँ पे, तो वहाँ से मटेरियल ढो रही, कठिन रास्ता था वहाँ से, ऊपर से हो रही है बारिश तो फिसलन हो रही थी, तो जैसे तैसे माल वहाँ से हमने ऊपर ले, वहाँ से ऊपर हम माल ले ही आए और फिर बगल वाले लेंटर में जो भी मटेरियल था उसको मिक्स किया और उसके बाद लेंटर डाल दिया। 2:30 बज गया अभी, तो अब खाते हैं खाना वाना और मौसम तो देख ही सकते हैं आप किस प्रकार का मौसम है। कुछ भी जो नज़ारे हैं कुछ भी नहीं दिखेंगे क्योंकि सभी जगह पूरी घाटियों पे घना कोहरा छाया हुआ है। तो बारिश के मौसम में हम लोगों का यह हार्ड काम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड फाइनली शाम का समय है अभी करीब 4:30 बज रहे हैं, मैं उनके घर से जाने लगा हूँ, अब जा रहा हूँ कसले मार्केट की तरफ, पीछे से पंकज भाई भी आ रहा है। अभी मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, थोड़ी बहुत व्यूज आ रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नीचे रोड पे चल के। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ रोड पे और अब दिखाता हूँ आपको मौसम नज़ारे, क्योंकि अभी तक तो बारिश हो रही थी और कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी थोड़ा मौसम खुला हुआ है और नज़ारे देखिए। तो दोस्तों फाइनली पहाड़ों में आज के दिन की भी शाम हो चली है और शाम का मंजर भी खूबसूरत ही आ रहा है, क्योंकि दिन भर तो बारिश थी, पहाड़ों पर कोहरा था, घाटियों पर भी भयंकर घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन शाम को थोड़ा बहुत विजिबिलिटी आ रही है, दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और पहाड़ियों में खूबसूरत लाइटों की चमक देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।